मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं का कोविड वैक्सीनेशन होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले 18 से 44 साल के लोगों का मुफ्त टीकाकरण अभियान की घोषणा की गई। उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएं, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारम्भ हो रहा है, बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी में मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ के मुझे निरीक्षण और जो DRDO के द्वारा 500 बेड का बन रहा है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा भी वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी इस शुभारम्भ करेंगे जो आज नौजवानों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। तो बड़ा अच्छा उत्साह है नौजवानों में और ये लगता है कि ये लगातार बना रहेगा। यह हमने तय किया ये केवल केवल हॉस्पिटल में नहीं, ऐसे एक कैंप। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।